नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तीन दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से धरे गए जमाती इस्लामिक रंग में आ गए हैं। इन्होंने दिल्ली के तुगलकाबाद क्वारंटीन सेंटर में बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी है। यह स्वास्थ्य कर्मियों पर न केवल थूक रहे हैं बल्कि नर्सों के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने बाकायदा इनका वीडियो बनाकर एक पत्र भी सरकार को भेजा है जिसमें इन जिहादियों की कारगुजारी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 167 जिहादी क्वारंटीन किए गए हैं। इन जमातियों को रेलवे की ओर से मुहैया कराए गए स्थान पर क्वारंटीन किया गया है। इन लोगों में से 97 को डीजल सेट ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल क्वारंटीन में और 70 को आरपीएफ बैरक क्वारंटीन केंद्र में रखा गया है। ये लोग रेलवे कॉलोनी में थूक कर संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने में बिरयानी और चिकन मटन की फरमाइश भी करते हैं। कुछ जिहादियों ने महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील हरकतें भी की है। पिछले 2 दिनों से आ रही शिकायतों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। वहां मौजूद आरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी और सरकारी कर्मचारी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी जिहादी उत्पात करे तो एफआईआर के साथ ठुकाई भी करो। यानी गृह मंत्रालय ने इनके पिछवाड़े ठोकने का इशारा कर दिया है। पिछले 8 घंटे से कोई उपद्रव की खबर इस क्वारंटीन सेंटर से नहीं आई है, जिसका मतलब यही है कि इन जिहादियों की ढंग से बचाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि महिलाओं को अश्लील इशारे करने वाले ये इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। यानी इनकी खाल के नीचे औरंगजेब मौजूद है जिसका डीएनए अब प्रशासन चेक करना शुरू कर चुका है। पर मामला यहां तक नहीं है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा है कि यह असभ्यता की हदें पार कर चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर में ये आवारा घूमते रहते हैं। एक जिहादी ने खुदकुशी का ढोंग करने की भी कोशिश की। इस जिहादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसकी तशरीफ का वजन भी बढ़ा दिया गया है। आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि इनमें से कुछ जमाती आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं जिससे संक्रमण के पीछे साजिश की संभावना बढ़ गई है। इन सभी के बारे में पूरा ब्यौरा और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। यहां मौजूद जिहादियों में कई लोग संदिग्ध हैं जो दूसरे देशों से भारत में घुसे थे। एक जमाती से कड़ाई से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने शाहीनबाग में हिस्सा लिया था। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी जिहादी संदिग्ध लगे उसे अकेले में ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की जाए, साथ में उसके संपर्कों को भी खंगाला जाए। जो जिहादी 24 घंटे पहले उत्पात मचा रहे थे अब वे क्वारंटीन सेंटर में कबूतर की तरह आंखें बंद किए पड़े हैं। मटन बिरयानी की मांग करने वालों को अब जो मिल रहा है उसी से काम चला रहे हैं। यानी पिछवाड़े पर लगे डंडे का जादू चल चुका है। अब इन जिहादियों से यह भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसके कहने पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। निजामुद्दीन मरकज के अध्यक्ष मोहम्मद साद की कॉल डिटेल भी निकलवाई गई है जिसमें पाकिस्तान से आए तमाम फोन नंबर को खंगाला जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि मरकज में इतनी बड़ी संख्या में जमावड़े के पीछे कोई विदेशी साजिश हो सकती है, क्योंकि जब पूरे देश में 5 व्यक्तियों से ज्यादा का एक जगह एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी फिर यह जिहादी क्यों एक स्थान पर झुंड बनाकर छुपे रहे। एजेंसियों को लगता है कि जमात ने देश में महामारी फैलाने का काम एक षड्यंत्र के तहत किया है, इसलिए एजेंसियां विभिन्न दृष्टिकोण से इस सारे प्रकरण की जांच कर रही है। गृह मंत्रालय के स्पष्ट आदेश है कि जानबूझ के संक्रमण फैलाने वालों पर किसी तरह का रहम नहीं किया जाए। ऐसे तत्वों पर एफआईआर के साथ इनकी खातिरदारी भी ढंग से की जाए। यूं भी इस वक्त ऐसे ही कठोर फैसलों की जरूरत है क्योंकि देश में जिहादी गैंग सक्रिय हो चुका है। इनकी मानसिकता देश विरोधी होने के साथ मजहबी भी है। ऐसे लोगों को कानून के डंडे के साथ गांठदार डंडे की भी जरूरत है क्योंकि ये जिहादी लातों के नहीं लटके भूत हैं जो इनकी असली हरकतों और चटोरी जीभ का स्वाद ठीक करने के लिए जरूरी है। देश को संकट में धकेलने वाली इस गवारू और मजहबी जमात को मटन बिरयानी नहीं संक्रमण के इंजेक्शन लगने चाहिए, अन्यथा पूरे भारत को संक्रमित कर सकते हैं। प्रशासन को इन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और शायद वह ले भी रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।